अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगे और आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का मैथ और हमारा चैप्टर चल रहा है जी चैप्टर नंबर टू, और आज हमारी एक्सरसाइज है जी 2.2 में से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते, इस वजह से मैंने उसको स्किप किया फिलहाल, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसकी आपकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा, वो कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। ये लिखा हुआ है जी रेडिकल, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट या रेडिकल भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। लेट सपोज मैं लिखा हुआ एक्स की पावर लिमिट लेता हूँ, तो ये इसका मतलब होगा 1/2। अगर सिंपल अंडर रूट लिखा हो उसका मतलब क्या है, 1/2। लेकिन अगर यहाँ पे 3 लिख दिया जाए इसकी पावर में तो ये बन जाएगा 1/3। अगर 4 लिख दूं तो ये बन जाएगा 1/4। इसी तरह अगर मैं यहां पे n लिख दूं तो ये बन जाएगा x की पावर 1/n। यानी क्या, अगर 1/n लिखा है तो हम उसको रेडिकल n लिख सकते हैं। अगर 4 लिखा हो, 1/4 लिखा तो उसको हम रेडिकल 4 लिख सकते हैं। 1/3 लिखा हो तो उसको हम रेडिकल 3 लिख सकते हैं। ठीक है जी। और कुछ स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, कुछ इसको यू लिख लेते हैं, ये कभी भी इस चीज के इक्वल नहीं है। ठीक है जी, नॉट इक्वल है, क्लियर हो गया, ये इक्वल नहीं है। इक्वल टू को वैसे ये साइन नहीं होता, नॉट इक्वल है। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये गलती नहीं करनी, जब भी अंडर रेडिकल है तो यहां पे यू लिखना है, इसके ऊपर साथ छोटा सा करके पावर लगा दी जाती है। ठीक ना, अगर आप इसके साथ लिखते हैं ये इससे बाहर की वैल्यू बन जाती है। ठीक हो गया जी, ये बात समझ आ गई। चले, हमें कहता है क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरह, कुछ सवाल की तरह मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कहता है, क्वेश्चन नंबर वन में कोई ऐसी खास बात नहीं, क्वेश्चन नंबर टू है, कहता है जी 5 की पावर 1/5, क्या अंडर रूट 5 के इक्वल है जी, आप बताएं क्या इक्वल है कि नहीं है। नहीं इक्वल, ये आपके पास क्या स्टेटमेंट क्या है, कहता है ट्रू और फॉल्स है, तो ये इसको मैं कहता हूं ये क्या है, फॉल्स है। तो राइट ट्रू क्या होगा, देखिए 5 की पावर 1/5 है, तो क्या मैं इसको यू नहीं लिख सकता, ये तो असूली तौर पर यू होना चाहिए था। ठीक है जी, यानी कि आपके पास ये जो 5 है, ये 1/5 है, ये क्या जाना चाहिए था, पावर में जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो नहीं गया तो ये क्या है, फॉल्स। तो ये तो रेडिकल 2 है, बेसिकली 5 की पावर 1/2 है, ये रेडिकल है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 में कहता है 2 की पावर 2/3, क्या ये इक्वल है 3 रेडिकल 4 के, देख लेते हैं अभी इसको भी। ठीक है जी, जी आपका क्या ख्याल है, मैं सॉल्व करता हूं फिर मैं इसको बताता हूं आपको कि यार ये एक्चुअल सॉल्व होके कैसे होती है। देखिए 2 की पावर 2/3 को मैं लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 अलग कर ली और 1/3 मैंने इसमें से क्या कर लिया, अलग कर लिया पावर को यूं, 2 × 2 अगेन 2/3 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 1/3 क्या बन गया, रेडिकल 3 बन गया, ये लिखा हुआ ना, तो ये क्या चीज है, ट्रू है। ठीक है ना। अच्छा जी, इसी का एक और पार्ट कर लेते हैं, उसमें ये कहता है, सो 3 है ये, 5 √49, दिस विल बी इक्वल टू √7, क्या ये ट्रू है ये फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है जी, ये तो बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि 49 का अंडर रूट क्या होता है, 7 होता है, 49 का अंडर रूट तो 7 होता है, तो ये चीज क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है जी। और इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 2 का, उसमें कहता है कि 3, ये एमसीक्यूज में चीजें आती है, इससे मैं आपको लाजमी करवा रहा हूं, एक्स की पावर 27, क्या दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब, देख लेते हैं जी। देखिए जी, एक्स की पावर 27 और ये वैसे लिखा है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1/3, ठीक है ना, तो 3 × 3 = 27, तो ये x की पावर क्या बनगी, 9, उसने क्या शो किया हुआ x की पावर 3, तो ये चीज क्या है,
फॉल्स। ये किसके इक्वल बन रहा है, एक्स की पावर 9 की इक्वल बन रहा है, ठीक है। वैल्यू इसके साथ पावर से पावर मल्टीप्लाई हो तो कैंसिल हो जाती होती है, ठीक है जी नंबर्स। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन 3 की पावर माइनस 125। अब देखें ये पावर क्या है, माइनस है, ऐसे ही है जी। तो अगर मैं 5 माइनस 5 की पावर 3 लिख लूं इसको, मैं अभी अनरूट की बात नहीं कर, रेडिकल 3 की बात नहीं, मैं इसको यूं लिख लूं क्या पॉसिबल है। देखिए 125 जो है इसकी अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो 5 5 5 2 10 और 5 5 और 5 25 और 5 1 तो 5 की पावर 3 बनता है। अब माइनस आया हुआ, अब याद रखिए कि माइनस आ जाए पावर ऑड आ जाए तो माइनस माइनस ही रहता है, तो उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि वो आपका उसका नहीं है। और ये जो रेडिकल 3 है इसको मैं लिख लेता हूं 1/3, ऐसा ही है ना, रेडिकल 3 को 1/3 लिखा जा सकता है। ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ गया जी, -5 आ गया, ठीक है जी। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, उसमें दिया हुआ जी 4 और 4 और रेडिकल 4 और यहां पे दिया हुआ जी 32। 32 की फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, 2 16s 2 8s 2 4s 2 2s और 2 1s, ऐसे ही है जी। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और होल की पावर क्या बन गया 1/4। तो इसको करने के वैसे दो तरीके, एक तो ये कि 5 5 4 ले ले, एक और तरीका भी जरा वो देख ले, मैं 4 अलहदा कर लेता हूँ, 1 एक्स के कर लेता हूँ अलहदा कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैंने क्या किया, पावर 5 थी ना तो उसमें से 4 अलहदा कर लिया और एक 1 क्या कर लिया अलहदा कर लिया, बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 4 × 1/4 और इसके साथ भी 1/4 आ जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल होकर क्या रह जाएगा एक्स रह जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं रेडिकल 4, ठीक है। एक तरीका ये, दूसरा तरीका इसका क्या है जी, हम इसको इस स्टेप के बाद डायरेक्ट कर देते एक्स की पावर 5/4 कर देते, ठीक है जी। तो दोनों में से आपको जो बेहतर लगे आप कर सकते हैं, जो हम जहां भी यूटिलाइज करना हो। नेक्स्ट अगला सवाल है इसी का, पार्ट नंबर 3 है जी, 5 radical 3/32। अब जो रेडिकल 5 है ये 3 के ऊपर भी है और 32 के ऊपर भी है, ऐसा ही है जी। तो मैं दोनों के ऊपर क्या कर लेता हूँ अलहदा अलहदा कर लेता हूँ ताकि रोला ही मुके, ठीक है जी। अब 32 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 16s 2 8s 2 4s 2 2s और 2 1s, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाता है 2 की पावर 5 और रेडिकल 5 को हम लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख लेता हूँ ताकि आपको ये गलती ना महसूस हो, गलती ना हो। 2 की पावर 5 × 1/5 पावर के अंदर ये जाना चाहिए, इसके बिल्कुल ये 2 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। और ये वैसे ही रहने दें इसको, हमें क्या करना क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 5 से 5 ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेडिकल 3 के ऊपर रेडिकल 5 है और नीचे क्या है 2 है और यही आपका क्या है आंसर है, क्योंकि इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं, 3 है और -8/27 है, ठीक है जी। ये भी पहले पार्ट की तरह ही है, हमने जैसे किया था। तो स्टूडेंट्स -8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ऐसा ही है, और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और इन दोनों की होल की पावर क्या आ जाएगी 1/3। अब ये 2 की पावर 1/3, ठीक है जी, और सॉरी यहाँ पे मैं ब्रैकेट ना भी लगाए, वैसे लगानी चाहिए थी, मैं -2 लिख लेता हूँ, -2 की पावर 3, ठीक है जी। तो ये आ गया जी -2 3
3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3, क्योंकि ऑड नंबर था ना, ऑड पावर बन गया तो माइनस लगा रहेगा, माइनस से इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमें, या माइनस को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3, तो ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 3 से ये 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर क्या बचा, माइनस 2 ओवर 3, और ये आपका क्या है आंसर है। होप सो आपको ये समझ आएंगे, बहुत आसान तरीके से चीजें हैं, बहुत आसान है, एक्सरसाइज हमारी 2.3 खत्म हो गई है, और दुआ में याद रखिएगा, प्रैक्टिस करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।